हेलो चैंपियंस, वेलकम टू फैंटेसी क्रिकबॉल। बिग बैश लीग 2022 का मैच नंबर 10 जो कि खेला जाने वाला है ब्रिस्बेन हीट और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच में। तो इस तगड़े मैच की टीम बनाने के लिए तैयार जो 21 दिसंबर को 1:45 में दोपहर को मैच होने वाला है। और देखो, जैसा मैंने लास्ट मैच में भी कहा था ना, जो भी मेरा यहां से ज्वाइन कर रहे हो ना, आप सब टेलीग्राम पे जो सपोर्ट दे रहे हो ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप देख भी पा रहे होगे कि जो मैं कहती हूँ वो सच कहती हूँ। बिग बैश लीग में क्लीन कराने का वादा जो किया है, अभी तक के 9 मैच उठा के देख लो, 9 मैच में क्लीन स्वीप कराए, एक तरफा मैच को हम ले गए हैं, लॉस नहीं हुआ है किसी भी मैच में। स्मॉल लीग में 3-4 मेंबर में हमने क्लीन स्वीप करी है, बहुत सारा पैसा बनाया। सारे स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। तो जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाओ और देख लो कि मैंने कितने पैसे बनाए। और वो सारे लोग जो मेरी टीम के साथ खेलते हैं, आखिरी मैच में एलेक्स हेल्स को बहुत सारे लोगों ने ड्रॉप किया था और हमने वाइस कैप्टन बना के दिया था। खिलाड़ी ने 68 रन की पारी खेली है, जाके चेक कर लो। तो ये ऐसे जो स्टैट्स और ऐसे जो वॉइस कैप्टन की चॉइस होती है ना, ये आपको किसी चैनल पर नहीं मिलने वाली है, ये आपको सिंगल चैनल फैंटेसी क्रिक बॉल पर मिलेगी। और बड़े बड़े चैनल जो आपने ज्वाइन कर रखे हैं ना, जिसकी टीम के साथ आप खेल के लॉस में हो, उसके बाद भी जाके उन्हीं की टीम के साथ खेलते हो, वहाँ से कुछ नहीं होने वाला है। नाम तो किसी का नहीं लेने वाली हूँ मैं, लेकिन इतना जरूर कहने वाली हूँ कि अगर जीतना चाहते हो ना, तो मुझे सपोर्ट करो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको 61 मैच में से 55 मैच को जिताने का प्रॉमिस किया है मैंने, और जिताऊंगी। ये बिग बैश लीग हमारे लिए बहुत बड़ा, मतलब मैं कहूँ ना, एक बहुत अच्छा अवसर है बहुत सारे पैसे बनाने के लिए। और इसके अलावा जितनी लीगें चल रही है, जिस तरह से विमेंस मैच में हमने कमाल किया है, जिस तरह से लंका प्रीमियर लीग में हम धमाल मचा रहे हैं, वैसे ही सारे मैच करेंगे। गाइस चलो मैच की बात कर लेते हैं, बहुत बातें हो गई हैं। अगर इन दोनों टीमों की बात करें तो दोनों टीमें इसी लीग में अपना दूसरा मैच आमने सामने खेलने जा रही हैं। पहला मैच भी ब्रिस्बेन हीट ने मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ खेला और एक ही मैच अभी तक 2022 में खेला है। उस मैच में अगर बात करें, ब्रिस्बेन हीट को हार का सामना करना पड़ा था और मेलबर्न रेनेगेड्स अभी तक 2 मैच खेली है, दोनों मैच जीती है। तो इस बार टक्कर बहुत गजब का होने वाला है, देखते हैं कौन जीतने वाला है, कौन सा खिलाड़ी ज़्यादा रन बनाने वाला है, कैसी होगी पिच, कौन निकालेगा ज़्यादा विकेट, जीएल में कितने कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग के बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस क्या रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करेंगे मैच वेन्यू की। ये मुकाबला सिमंस स्टेडियम जिलोंग में होने वाला है। जिलोंग की पिच के बारे में जिनको भी नहीं पता है, मैं आपको बता दे रही हूँ, बॉलिंग फ्रेंडली पिच है। साफ साफ एक बात समझ जाओ, बॉलर्स पूरे मैच में बॉलर्स का दबदबा बना रहेगा। फर्स्ट इनिंग में आपके बल्लेबाज थोड़ा धमाल मचा सकते हैं, वहाँ पर बैट पे बॉल आती है, लेकिन जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करता जाएगा, आपकी सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है कोई भी शॉट चूज करने के लिए और अच्छा रन बनाने के लिए। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो भी चाहेगी यहाँ पर पहले बैटिंग करना। चलिए बात करेंगे पिच स्टैट्स की, चीज़ें और क्लियर हो जाएगी वहाँ पर। टोटल अगर बात करूँ, पिच पे 7 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 4 मुकाबले जीते हैं। आप देख लो, 7 में से 4 बार पहली बैटिंग करने वाली टीम जीत रही है। तो टॉस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, टीम की जीत और हार 50% टॉस पे डिपेंड करती है। सेकेंड इनिंग में बात करूँ, सेकेंड बैटिंग करके 3 बार मैच जीते हैं। अगर बात करें एवरेज स्कोर इन फर्स्ट इनिंग की, 155 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो पर्थ स्कॉचर्स ने बनाया है, 196 पे 3 विकेट है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो मेलबर्न रेनेगेड्स ने बनाया, 105 पे 10 विकेट है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करेंगे, 150 से नीचे का स्कोर 2 बार बन चुका है, 150 से 169 का स्कोर 3 बार बन चुका है, 170 से 189 की बात करें तो 1 बार बन चुका है, 190 प्लस का स्कोर भी 1 बार बन चुका है। और अगर बात करें बॉलिंग अटैक की, तो आप आंकड़े देख सकते हो, पेसर्स को ज़्यादा मदद मिलने वाली है एज़ कम्पेयर टू स्पिनर। अब बात करेंगे क्या होने वाली है दोनों टीमों की प्लेइंग 11। ब्रिस्बेन हीट की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे मैक्स ब्रायंट, उनका साथ देते हुए दिखेंगे जे ब्राउन। यहाँ पर गाइस, जे ब्राउन के बारे में अगर आपको नहीं पता है ना, तो मैं आपको बता दे रही हूँ, खतरनाक खिलाड़ी है। अगर पिच पे बन गया
तो फिर विकेट निकालना भी मुश्किल हो जाएगा और रोकना भी मुश्किल हो जाएगा। तो जे ब्राउन को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। अगर ब्रिस्बेन हीट फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने आती है तो वहां पर जे ब्राउन को टीम में जगह बिल्कुल मिलनी चाहिए। और मैक्स ब्रायंट कितने खतरनाक है हम सब जानते हैं, बहुत तेजी से खेलते हैं। उसके बाद नजर आएंगे कॉलिन मनरो, फिर बैक टू बैक देखने को मिलेंगे सैम बिलिंग, फिर नजर आने वाले हैं रोज वाइटली, उसके बाद देखने को मिलेंगे टीम के कप्तान जिमी पियर्सन। काफी अच्छे खिलाड़ी है, लास्ट मैच में भी अच्छा परफॉर्म किया था, भले टीम का रिजल्ट जो भी हो खिलाड़ी ने अच्छा परफॉर्म किया था। फिर देखने को मिलेंगे बाजले, बाजले भी काफी अच्छा आपको बैट बॉल दोनों से पॉइंट दिला सकते हैं। फिर नजर आने वाले मार्क स्टेक्टी, जेवियर बार्ले, मिचेल स्विप्सन और मैथ्यू कर्नमैन। कर्नमैन की बात करें, ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग कराते हैं, लास्ट मैच में 3 विकेटें निकाली थी, गजब का खिलाड़ी, अपनी टीम की तरफ से ना हर बार परफॉर्मेंस करके देगा और इस बार भी विकेट कन्फर्म निकालने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग इनको ड्रॉप करते हैं, लेकिन ये खिलाड़ी बिग बैश लीग में मुझे लग रहा है इस बार अपना नाम करने वाले और इस बार भी विकेट निकाल के देने वाले। बार्लेट बड़ा नाम है तो सब लोग जाते हैं बार्लेट के साथ, हम नजरअंदाज कर देते हैं। मुझे लगता है इस बार आप कर्नमैन के साथ रिस्क ले सकते हो। गाइस अब बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों के लास्ट 5 मुकाबले के स्टैट्स की, और ये स्टैट्स आपको टीम बनाने के लिए बहुत मदद करने वाले हैं। जीएल में आप जो सोचते हो ना कि कौन सा प्लेयर रिस्की होने वाला है और कौन सा प्लेयर सेफ होने वाला है, तो ये स्टैट्स आपके सारे फैक्ट क्लियर कर देने वाला है। आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं कॉलिन मनरो, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, 13 रन 0 रन 8 रन आखिरी मैच में 35 रन मारा है। मैक्स ब्रायंट राइट हैंडेड बैट्समैन, 23 रन 41 रन 35 रन 88 रन आखिरी मैच में 0 रन बनाया था। जे ब्राउन की बात करेंगे, राइट हैंडेड बैट्समैन 22 रन, लास्ट मैच में 7 रन बने थे। सैम बिलिंग राइट हैंडेड बैट्समैन विकेट कीपर, 0 रन 17 रन 71 रन 7 रन 6 रन। पियर्सन की बात करेंगे, राइट हैंडेड बैट्समैन विकेट कीपर, 4 रन 42 रन 18 रन 43 रन। रोज वाइटली लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन 21 रन 3 रन 1 रन 14 रन 28 रन। जेम्स बाजले राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग कराते हैं, 31 रन 1 विकेट 64 रन 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट। आखिरी मैच में 19 रन बनाए थे और 2 विकेट मिली थी, और यही वजह है इसीलिए मैंने आपको बोला था कि बाजले को टीम में जगह जरूर मिलनी चाहिए। बार्लेट की बात कर लेते हैं, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं, 36 रन 2 विकेट 2 विकेट 6 विकेट। आखिरी मैच में बार्लेट को विकेट नहीं मिली है, इस मैच में विकेट मिलेगी, कंफर्म मिलेगी। मार्क स्टेक्टी की बात करेंगे, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं, 6 विकेट 3 विकेट 6 विकेट 2 विकेट 1 विकेट। स्टेक्टी के आप स्टैट्स उठा के देख सकते हो, आखिरी 5 के 5 मैच में विकेट मिली है, तो स्टेक्टी यहाँ पर काफ़ी सेफ ऑप्शन हो जाते हैं टीम में लेने के लिए। लेकिन जो खिलाड़ी देखो आखिरी 5 मैच में लगातार विकेट निकाल रहा है ना, वो इस मैच में भी विकेट कन्फर्म निकाल के देने वाला है। कर्नमैन की बात करेंगे, लेफ्ट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग कराते हैं, 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट। आखिरी मैच में 3 विकेट मिली थी। स्विप्सन की बात करेंगे, राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग कराते हैं, 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट। तो गाइज यहां पर आप देख सकते हो खिलाड़ियों के स्टैट्स, अगर आप सेफ जाना चाहते हो ना तो आप मनरो के साथ जा सकते हो, ब्रायंट के साथ जा सकते हो, पियर्सन काफ़ी सेफ ऑप्शन है यहाँ पर, बार्लेट और कर्नमैन। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप जे ब्राउन पे रिस्क ले सकते हो, सैम बिलिंग, रोज वाइटली, इसके अलावा मुझे लग रहा है स्टेक्टी और स्विप्सन, ये 4-5 खिलाड़ी मुझे रिस्की लग रहे हैं इस मैच के लिए। अब बात कर लेते हैं दूसरी टीम की क्या होने वाली है प्लेइंग 11। मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे सैम हार्पर, उनका साथ देते हुए दिखेंगे टीम के कप्तान निक मेडिसन। अगर आपको वो पहला मैच याद होगा जिसमें मेडिसन ने 80+ की पारी खेली थी, ये वही मेडिसन है जो कि लंबे लंबे पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं, कम गेंदों में आपको ज़्यादा रन और आपको ज़्यादा आपकी फैंटेसी में पॉइंट दिला सकते हैं। तो मेडिसन इस मैच के लिए भी काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है मुझे लग रहा है इस बार। क्या मेडिसन को हम ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बिग बैश लीग ना 20 ओवरों का कोई भी खेल हो, आप टॉप ऑर्डर्स के साथ रिस्क नहीं ले सकते हो। आपका एक खिलाड़ी फेल होगा लेकिन दूसरा खिलाड़ी हो सकता है इतना बड़ा स्कोर करके दे देगा ना कि वो उसके लॉस को भी कवर करके रख देगा, इसलिए आप ओपनर्स पे बहुत रिस्क मत लिया करिए। फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएंगे फ्रेशर मगर, अभी तक इन्होंने वैसा कुछ किया नहीं है, लेकिन ये खिलाड़ी भी काफ़ी अच्छी बैटिंग करना जानता है और इसके अलावा शॉट सेलेक्शन इनका बहुत अच्छा है। इनको भी अगर मौका मिलेगा ना थोड़ा देर, अगर इन्होंने अपनी विकेट बचा ली यहाँ पर, तो ये भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन अभी तक मैं बात करूं तो फ्रेशर मैगर की तरफ से उस तरह की पारी देखने को नहीं मिली है। उसके बाद नजर आएंगे एरन फिंच, एरन फिंच तो मुझे लगता है बड़ा नाम है, इनको तो कोई भी अपने टीम से ड्रॉप नहीं करेगा, मैं भी नहीं करने वाली हूँ। फिंच ऐसा खिलाड़ी है ना कि वो कभी भी बहुत तेज़ी से रन मार सकता है और भाई बॉडी भी है, तेज से मार सकते हैं। उसके बाद नजर आएंगे जोनाथन वेल्स,
फिर देखने को मिलेंगे आंद्रे रसल द मसल पावर, ये आपको बैट बॉल दोनों से पॉइंट दिलाएंगे। अगर स्टार्टिंग के ओवरों में या डेथ ओवर में जब बॉलिंग करने आते हैं बहुत खतरनाक साबित हो जाते हैं और कन्फर्म विकेट निकाल के यहाँ आपको देने वाले हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं ना जिन पे बहुत रिस्क आप नहीं ले सकते और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इस जीएल में आप रिस्क ले सकते हो, आप स्मॉल लीग में इतना एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्योंकि सबके ही टीम में रहने वाले हैं। तो लॉस तो आपको नहीं दिलाएगा रसल कभी भी किसी भी कंडीशन पे। उसके बाद नज़र आने वाले अकील हुसैन। अकील हुसैन भी अगर मैं बात करूँ ना मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से, ये खिलाड़ी भी ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग कराता है और इसने भी आखिरी मैच जब दोनों टीमें खेली थी तो वहाँ पर अकील हुसैन को बहुत लोगों ने मतलब वो किया था नज़रअंदाज कि यार इससे अच्छे बॉलर हमारे पास और भी भरे पड़े, चाहे बात कर लें रिचर्डसन वगैरह बड़े नाम हैं, लेकिन मैंने अपनी टीम में अकील हुसैन को आपको दिया था और उसी मैच में अकील हुसैन ने 3 विकेट निकाली थी जहाँ पर खिलाड़ियों को विकेटें नहीं मिली थी और एक इक्का दुक्का खिलाड़ियों को एक आका विकेट मिली थी। उस मैच में अकील हुसैन ने 3 विकेट निकाली थी और यहाँ पर भी कमाल करेंगे। अकील हुसैन विकेट टेकर बॉलर है, हर मैच में विकेट निकाल के कन्फर्म देंगे। उसके बाद नजर आएंगे केन रिचर्डसन, सुदरलैंड, मुजीबुर रहमान, टॉम रोजर्स। गाइस टॉम रोजर्स की अगर हम बात करें ना तो ये डेथ ओवर में बॉलिंग करने आते हैं, टॉम रोजर्स आपको कंफर्म विकेट निकाल के देगा, क्योंकि जो भी खिलाड़ी डेथ ओवर में आते हैं ना उनको विकेट मिलनी कंफर्म होती है, क्योंकि लास्ट में हर टीमें चाहती हैं कि आप तेजी से रन बना के ओवर खत्म करना है, खत्म हो ही रहा है तो चौके छक्के मार के बड़ा स्कोर किया जाए और वहां पर अपनी विकेट खो देते हैं। या तो अगर एक दूसरा कंडीशन ये होगा कि सामने वाले टीम की बॉलर्स खेलने आएंगे तो वहां पर भी टॉम रोजर्स को विकेट ना कंफर्म है। अब चलिए बात करेंगे इन सारे खिलाड़ियों के स्टैट्स के बारे में। निक मेंडिंसन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, 20 रन, 36 रन, 53 रन, 87 रन, 39 रन। आप निक मेंडिंसन के स्टैट्स देख लो, 5 के 5 मैच में खिलाड़ी ने परफॉर्म किया है, गजब की कंसिस्टेंसी से बड़ा बड़ा स्कोर कर रहे हैं। सैम हार्पर राइट हैंडेड बैट्समैन विकेट कीपर, 31, 71, 39, 21, लास्ट मैच में 0 रन बने थे। फ्रेसर मैकगर की बात करेंगे, राइट हैंडेड बैट्समैन 36 रन, 18 रन, 0 रन, 3 रन, 24 रन। फिंच राइट हैंडेड बैट्समैन 13 रन, 31 रन, 63 रन, 4 रन, 70 रन। जोनाथन वेल्स राइट हैंडेड बैट्समैन 12 रन, 18 रन, 62 रन, 1 रन, 12 रन। रसल की बात कर लेते हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन राइट आर्म में फास्ट बॉलिंग कराते हैं, 63 रन, 0 विकेट, 0 रन, 9 रन, 35 रन, 1 विकेट, आखिरी मैच में भी 1 विकेट मिली थी। अकील हुसैन लेफ्ट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग कराते हैं, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, आखिरी मैच में अकील हुसैन को 1 विकेट मिली थी। आखिरी 4 मैच उठा के देख लो आप तो हर एक मैच में अकील हुसैन को विकेट मिल रही है। केन रिचर्डसन राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, आखिरी मैच में 1 विकेट मिली है। यहाँ पर आप रिचर्डसन पर रिस्क ले सकते हो, वाइस कैप्टन के लिए मुझे लग रहा है इस मैच में काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। सुदरलैंड राइट हैंडेड बैट्समैन राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं, 1 विकेट, 6 विकेट, 9 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, आखिरी 2 मैच में सुदरलैंड को विकेट नहीं मिली है। मुजीबुर रहमान राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग कराते हैं, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, आखिरी मैच में केवल 1 विकेट मिली है मुजीबुर रहमान को। टॉम रोजर्स राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं, 3 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। आप देखो रोजर्स की तारीफ इसीलिए बनती है, हर एक मैच में इनको 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट मिल रही है, तो रॉजर्स आपकी टीम में रहना बिल्कुल भी चाहिए। और देखो डेथ ओवर के बॉलर की यही पहचान होती है, उनके और विकेट जरूर मिलती है किसी भी हाल में। गाइज अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताने वाली हूँ एक न्यू फैंटेसी एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है माय मास्टर 11 फैंटेसी एप्लीकेशन। गजब का एप्लीकेशन है, बहुत सारे यूनिक फीचर, 24/7 कस्टमर सपोर्ट, इंस्टेंट विड्रॉल, बहुत सारे वैरायटी ऑफ कॉन्टेंट और इसके अलावा बिग बैश लीग में बहुत अच्छे डिपॉजिट ऑफर रियल कैश के साथ, तो जल्दी से जाके डाउनलोड कर लो। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बात करेंगे दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबले की। दोनों टीमों ने T20 इंटरनेशनल में 18 बार एक दूसरे का आमना सामना किया है। ब्रिस्बेन हीट को उसमें से जीत हासिल हुई है 6 बार, वहीं बात करें मेलबर्न रेनेगेड्स की तो 12 जीत हासिल हुई है। गाइज यहां पर भी अगर आप पलड़ा देखोगे ना तो मेलबर्न रेनेगेड्स सीधे सीधे भारी दिख रही है ब्रिस्बेन हीट के आगे। तो मैच प्रेडिक्शन क्या रहने वाला है इस मैच में, क्या लगता है कि बाजी कौन मारने वाला है? तो मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि मेलबर्न रेनेगेड्स इस मैच को जीतने वाली है। बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, खिलाड़ी बहुत इनफॉर्म चल रहे हैं, वहीं बात करें ब्रिस्बेन हीट की भी टीम अच्छी है लेकिन खिलाड़ियों के फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, फॉर्म के साथ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है, आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा कमेंट करके बताएं कि मैच में बाजी कौन मारने वाला है। दोनों टीमों की रिसेंट फॉर्म की बात करूँ तो ब्रिस्बेन हीट अपने आखिरी 5 में से
एक भी मुकाबला नहीं जीती है। वहीं बात करें मेलबर्न रेनेगेड्स की, तो अपने आखिरी 5 में से 2 मुकाबला जीती और आखिरी के दोनों मुकाबले जीती है। तो यहाँ पर भी स्टैट्स भी यही कहता है कि मेलबर्न रेनेगेड्स सीधे सीधे भारी दिखाई दे रही है। तो गाइस सारी बातें हो गई है मैच प्रेडिक्शन की, प्लेयर स्टैट्स की, स्टैट पिच स्टैट मैच की पूरी डिटेल्स वगैरह वगैरह सारी बातें मैंने आपको बता दी है। लेकिन जो हमारे स्पेशली है, मतलब हमारे चैनल का जो सबसे अहम पार्ट है, हमारी फैंटेसी टीम कि मैंने अपनी फैंटेसी टीम में कौन कौन से खिलाड़ियों को पिक किया है, जो कि आपको बहुत सारे पैसे जिताने वाली है। और इस बिग बैश लीग में तो मतलब जितना भी बोले ना, टीम कमाल कर रही है और इसीलिए चैनल भी कमाल कर रहा है। विकेट कीपर में मैंने चूज किया सैम बिलिंग को। बैटर्स की बात करें कॉलिन मनरो, मैक्स ब्रांड, एरन फिंच। ऑलराउंडर में मैंने चूज किया है बाजले, आंद्रे रसल, निक मैंडिसन। बॉलर में चॉइस होने वाली है मार्क स्टेक्टी, जेवियर बार्लेट, अकिल हुसैन, टॉम रोजर्स। आप ये टीम देख लो, गजब की टीम है, स्क्रीनशॉट ले लो। सेम टीम के साथ भी जाओगे तो बहुत सारे पैसे अर्न करोगे। इस मैच की कैप्टन की सबसे बेस्ट चॉइस रहने वाले हैं आंद्रे रसल, द मसल पावर। और वाइस कैप्टन के लिए आप बाजले या फिर मैंडिसन के साथ भी जा सकते हो। तो ये टीम भी मतलब बहुत अच्छा करेगी। अगर आप ये सेम टीम ही बनाते हो तो आप बहुत पैसे कमा सकते हो। जीएल में कितने कॉम्बिनेशन हम लगा सकते हैं। तो कैप्टन के लिए आंद्रे रसल, जेम्स बाजले, वाइस कैप्टन के लिए जेवियर बार्लेट, निक मैंडिसन। ये 4 मेरे की प्लेयर है इस मैच के लिए, जो मुझे लगता है इस मैच में कमाल करके देने वाले और बहुत सारा हमारी फैंटेसी में हमको पॉइंट दिलाने वाले हैं। तो गाइज इनके भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैच के बाद मैं आपको बताऊंगी और आप मुझे बताना कि मेरी प्रेडिक्शन कितनी सही थी। इन 4 में से कंफर्म बता सकती हूँ कि 2 से 3 खिलाड़ी सबसे ज़्यादा पॉइंट आपको दिलाने वाले हैं, आपकी फैंटेसी में दिलाने वाले हैं और आपको बहुत सारा पैसा विन कराने वाले हैं। तो जान देख लेंगे वो तो मैच के बाद। वैसे भी देखो जीएल में ना बहुत सेफ जाने की ज़रूरत नहीं है, शफल करके टीम बनाओ इन 4 खिलाड़ियों को। मैं तो कहूँगी कैप्टन के लिए भी ट्राई कर सकती हूँ, कौन सा खिलाड़ी कब ज़्यादा क्या कर देना कुछ पता नहीं है, क्रिकेट है, अनप्रेडिक्टेबल गेम है। बाकी तो आपको पता है कि फाइनल टीम आएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे आफ्टर लाइनअप, लाइनअप के बाद टॉस होने के बाद, क्योंकि यहाँ पर टॉस जीतने वाली टीम ज़्यादा चांसेस है बैटिंग चूज करेगी और उसके जीतने के भी चांसेस वहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे। तो उस बेसिस पे टीम में भी चेंजेस हो सकते हैं और अगर फाइनल प्लेइंग 11 में कोई चेंज देखने को मिलता है तो उसका भी असर फाइनल टीम पे दिखने को मिलेगा। तो फाइनल टीम जाननी है ना आपको, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो मेरा टेलीग्राम चैनल फैंटेसी क्रिक बॉल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहां पर आपको मिलेगी मेरी लास्ट विनिंग टीम। इस मैच की कंफर्म बता सकती हूँ, हारने नहीं दूंगी, पैसा लॉस नहीं जाने वाला है। तो जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाओ। गाइज आज के लिए बस इतना ही, मैं जल्द मिलूंगी नेक्स्ट मैच की पूरी प्रेडिक्शन के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा ना तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, और यहाँ तक आ गए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना भी नहीं है। और अच्छे अच्छे कमेंट करके बता दो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देते हैं। नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा एनर्जी के साथ लाने वाली हूँ। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो।